की चक्कर बच्चे नाच जाना दोस्तों, आप लोग सभी जानते ही होंगे कि वरुण धवन ने अपना जन्मदिन बवाल फिल्म के सेट पर ही मनाया है। मतलब कि बवाल फिल्म की शूटिंग चल रही थी लखनऊ में, तो वरुण धवन ने अपना बर्थडे लखनऊ में ही मनाया है, जहां पर बवाल फिल्म की पूरी टीम थी। लेकिन आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो वहां पर रवि उदयवार भी थे, यानी कि सनकी फिल्म के डायरेक्टर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सनकी फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला, और साजिद नाडियाडवाला ही बवाल फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैंने आप लोगों की एक वीडियो में बताया होगा कभी, अगर आप में से बहुत से लोगों को याद हो, कि साजिद नाडियाडवाला वरुण धवन की बवाल फिल्म के बाद सनकी फिल्म पर ही काम स्टार्ट कर देंगे। और हमें कुछ सूत्रों ने भी बताया है कि सनकी फिल्म की टीम लखनऊ वरुण धवन के फोटो शूट करने के लिए गई थी। मतलब कि वरुण धवन की फिल्म सनकी का जब अनाउंसमेंट होगा, तो वरुण धवन के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ सनकी फिल्म का अनाउंसमेंट किया जाएगा। मतलब कि कुछ फिल्मों का अनाउंसमेंट ऐसा ही नहीं होता, फिल्म से हीरो का फर्स्ट लुक बाद में रिलीज किया जाता। और अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि बवाल फिल्म के बाद सनकी फिल्म पर ही काम स्टार्ट होगा, और सनकी फिल्म पर जुलाई से काम स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग अभी 2 महीने तक और चलेगी, यानी कि मई जून में। तो जुलाई में सनकी फिल्म पर ही काम स्टार्ट होगा। और दोस्तों, आने वाले 2-3 हफ्ते के भीतर बहुत कुछ अपडेट आ सकती है सनकी फिल्म को लेकर, यानी कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन रहेगी, साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग किस डेट से स्टार्ट होगी, इसके अलावा इस फिल्म की अनाउंसमेंट कब होगी। मतलब कि इससे ये साबित हो जाता है बवाल फिल्म के बाद सनकी फिल्म ही बनेगी, और सनकी फिल्म के बाद बन सकती है मेड इन इंडिया। मतलब कि मेड इन इंडिया फिल्म पर काम 2022 के लास्ट में स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि वरुण धवन बीच में सिटाडेल वेब सीरीज को भी लपेटेंगे, जो कि 2023 में कभी भी रिलीज की जा सकती है। वैसे सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि डायरेक्टर उदयवार वरुण धवन से सनकी फिल्म के बारे में बात करने के लिए गए थे, क्योंकि वहीं पर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला भी थे और डायरेक्टर नीतीश तिवारी भी थे। मतलब कि उन्होंने सब कुछ बात कर ली होगी नीतीश तिवारी से कि आपकी फिल्म की शूटिंग कब तक खत्म हो जाएगी, फिर हम उस हिसाब से सनकी फिल्म की शूटिंग का प्लान बना लें। अब दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सनकी फिल्म को लेकर बहुत जल्दी अपडेट आती चलें।